नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है ICS हरदोई के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। मैं भानु प्रताप दोस्तों आप लोगों के लिए लेकर आया हूं भारत रत्न से संबंधित क्लास, जो आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर देखें तो हम भारत रत्न के बारे में आज जानेंगे। संपूर्ण ज्ञान के अंतर्गत हम भारत रत्न के बारे में जानेंगे, क्या है भारत रत्न, क्यों दिया जाता है, किस क्षेत्र में दिया जाता है, कितने लोगों को दिया गया, ये सारी चीज़ें हम संपूर्ण ज्ञान में जानेंगे। और उसके बाद हम लोग एक प्रैक्टिस सेट करने वाले हैं, इसी से आधारित क्वेश्चंस जो आपके एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं उन्हीं क्वेश्चंस को हम लोग क्या है देखने वाले हैं इस सेशन में। अगर आप हमारे चैनल से नए जुड़ रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में बने बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि हमारे आने वाले वीडियोस की जानकारी आप तक सबसे पहले पहुँचे। तो चलिए आज के सेशन को आरम्भ करते हैं और देखते हैं भारत रत्न का संपूर्ण ज्ञान। तो हमारा दिया गया है भारत रत्न, ठीक है। भारत रत्न क्या है देख लेते हैं। तो यह भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है, ठीक है। भारत का अगर सर्वोच्च नागरिक सम्मान पूछा जाता है तो वो कौन सा है, हमारा भारत रत्न है, ना कि दादा साहब फाल्के पुरस्कार, पद्म विभूषण, ये कोई पुरस्कार हमारे यहाँ सर्वोच्च नागरिक सम्मान नहीं है, ठीक है। यह सम्मान साहित्य, कला, विज्ञान अथवा उच्चतम स्तर की लोक सेवा के लिए जो है प्रदान किया जाता है, ठीक है। अगर बात की जाए तो ये कौन किस क्षेत्र में दिया जाता है, तो साहित्य, कला, विज्ञान अथवा उच्च स्तर की लोक सेवा के लिए जो है दिया जाता है। लेकिन 2011 से ठीक है 2011 से ये क्या हुआ, आपका हर क्षेत्र में दिया जाने लगा, जिस क्षेत्र में उसका योगदान अच्छा हो, ठीक है। हर क्षेत्र में आपका यह भारत रत्न 2011 से दिया जाने लगा है। आगे पॉइंट्स को देखते हैं तो आगे क्या है, मेडल, जो आपका ये मेडल होता है पीपल के पत्ते की आकृति का होता है, ठीक है। जो आपका मेडल ये देख रहे होंगे आपके पास जो पिक्चर्स आपको ये नज़र आ रही हैं, ठीक है। क्या है ये, देखो पीपल के पत्ते की आकृति का होता है, ठीक है। जो आपका मेडल है, जो पदक जो पहनाया जाता है गले में, वो कैसा होता है आपका, पीपल के पत्ते के आकृति की जैसा होता है, ठीक है, आकृति का होता है। उसके बाद देखते हैं तो जिस पर सूर्य का चित्र अंकित होता है, और उसके अलावा अगर देखें तो भारत रत्न जो होता है उस पर क्या होता है, एक पर जो है सूर्य का चित्र अंकित होता है और एक पर जो है आपका अशोक चिन्ह जो है अंकित होता है। अशोक चिन्ह जो अंकित होता है उसके नीचे आपको सत्यमेव जयते लिखा हुआ मिलेगा, और जो आपका जिस पर सूर्य अंकित होता है उस पर आपको क्या है भारत रत्न लिखा हुआ मिलेगा। और भारत रत्न जो लिखा हुआ मिलेगा वो आपको किस लिपि में पूछा जाता है, तो वो देवनागरी लिपि में जो है लिखा हुआ होता है, ठीक है। देवनागरी लिपि में जो है भारत रत्न पे भारत रत्न लिखा होता है। आगे पॉइंट्स को देखते हैं, भारत रत्न सम्मान, ठीक है। भारत रत्न सम्मान का आरंभ वर्ष, ठीक है, 1954 से हुआ था, ठीक है। भारत रत्न का अगर आरंभ पूछा जाता है तो वो कब हुआ था, 1954, ठीक है। 1954 से जो है इसका आरंभ हुआ। अगर एग्जैक्ट डेट पूछाती है तो 2 जनवरी 1954 को जो है ये आपका सर्वप्रथम जो है इसकी स्थापना की गई थी, आरंभ हुआ था। किसने स्थापना की तो आगे हम देखेंगे। अभी भारत रत्न से सम्मानित व्यक्ति को एक प्रमाण पत्र के साथ मेडल यानी कि आपका पदक दिया जाता है, इसके अलावा किसी भी प्रकार की धनराशि नहीं दी जाती है, ठीक है। अगर हम बात करते हैं भारत रत्न की, तो भारत रत्न क्या है, जिस व्यक्ति को सम्मानित किया जाता है उसको मात्र एक आपका क्या है प्रमाण पत्र दिया जाता है, और साथ में उसके एक मेडल ये दिया जाता है, और इसके अलावा किसी भी प्रकार की राशि नहीं दी जाती है, ठीक है। और सेवाएं दी जाती हैं, प्रदान की जाती हैं, लेकिन उसे क्या है किसी भी प्रकार की राशि नहीं दी जाती, यानी रुपए नहीं दिए जाते हैं, ठीक है। आगे देखते हैं पॉइंट्स क्या हैं। देखें तो भारत रत्न की स्थापना, ठीक है, भारत रत्न की स्थापना भारत के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के द्वारा 2 जनवरी 1954 को की गई थी, ठीक है। अगर बात की जाए भारत रत्न की स्थापना किसके द्वारा की गई, तो आपके पहले राष्ट्रपति थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, उनके द्वारा जो है भारत रत्न की स्थापना की गई, ठीक है। और कब जो है ये आरंभ स्थापना की गई थी, तो वो 2 जनवरी 1954 को जो है इसकी स्थापना की गई थी। उसके आगे पॉइंट्स में देखते हैं, भारत से सम्मानित व्यक्ति को, जैसा कि अभी हमने पीछे बताया था, ठीक है, एक प्रमाण पत्र के साथ, ठीक है, जो भी व्यक्ति सम्मानित किया जाता है उसे क्या है एक प्रमाण पत्र के साथ में पदक दिया जाता है, और इसके अलावा किसी भी प्रकार की धनराशि नहीं दी जाती, यानी कि रुपए वगैरह नहीं दिए जाते हैं, धनराशि नहीं दी जाती है, ठीक है। देख रहे होंगे ये साइन क्रॉस कर दिया इसलिए, ठीक है। आगे देखते हैं, सर्वप्रथम भारत रत्न से सम्मानित व्यक्ति, ठीक है, जब कब आपका दिया गया पहला, 2 जनवरी को, ठीक है, 2 जनवरी 1954 को जब फर्स्ट टाइम ये
दिया गया था तो तीन व्यक्तियों को दिया गया था, थ्री पर्संस को, ये तीन हस्तियों को दिया गया, जिसमें आपके सबसे पहले कौन थे, दर्शन शास्त्र से संबंधित आपके सर्वपल्ली राधाकृष्णन, ठीक है, सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे। अगर बात की जाए तो भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति एवं दूसरे राष्ट्रपति थे ये, सर्वपल्ली राधाकृष्णन जो थे वो भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति और दूसरे राष्ट्रपति थे। अगर देखें तो हम इनके जन्म दिवस को जो है 14 फरवरी को क्या है, टीचर्स डे के रूप में, शिक्षक दिवस के रूप में सेलिब्रेट करते हैं, ठीक है। सर्वपल्ली राधाकृष्णन की बात हो गई, अब देख लेते हैं सीवी रमन, ठीक है, चंद्रशेखर वेंकट रमन, इन्हें जो है फिजिक्स के लिए दिया गया, इनकी खोज किया थी रमन प्रभाव जो है, रमन इफेक्ट जो है इन्होंने खोजा था फिजिक्स में। उसके बाद देख लेते हैं क्या है आपके श्रीराज गोपालाचारी, यानी चक्रवर्ती राजगोपालाचारी, अगर इनकी बात करते हैं तो ये भारत के क्या थे, अंतिम गवर्नर जनरल और प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल, ठीक है। भारत के बात की जाए तो भारत के अंतिम गवर्नर जनरल थे, लेकिन भारतीय प्रथम ये भारतीय गवर्नर जनरल थे, ठीक है। इनके यही इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं जो आपके एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, काफ़ी बार पूछे गए हैं। आगे देखते हैं, अब देखते हैं तो भारत रत्न से सम्मानित होने वाली प्रथम महिला, ठीक है, भारत रत्न से सम्मानित होने वाली प्रथम महिला कौन थी, अगर पूछा जाता है तो भारत रत्न से सम्मानित होने वाली प्रथम महिला कौन थी, भाई इंदिरा गांधी थी, ठीक है। इंदिरा गांधी जो थी उन्हें पहले भारत रत्न से सम्मानित वाली होने वाली पहली महिला थी, ठीक है, आपकी भारत रत्न से सम्मानित होने वाली पहली महिला अगर पूछी जाती हैं तो इंदिरा गांधी थी, ठीक है। इनके पिता का नाम जवाहरलाल नेहरू, माता जी इनकी कमला नेहरू थी, और इनका जन्म जो हुआ 1917 को जो है इलाहाबाद में हुआ था, और जो इनकी मृत्यु हुई थी वो ताशकंद में हुई, सॉरी नई दिल्ली में 31 अक्टूबर 1984 को हुई थी। आगे देखते हैं, तो आगे है हमारा, पूछा जाता है कई बार आपके एग्जाम्स में क्वेश्चंस देखा गया है इस तरीके से कि प्रथम विदेशी नागरिक कौन था जिसे जो है भारत रत्न से सम्मानित किया गया था, तो हम देखते हैं यहाँ पर क्या है, भारत रत्न से सम्मानित होने वाले प्रथम विदेशी, ठीक है, नागरिक, आपके विदेशी नागरिक कौन थे, तो कौन थे, खान अब्दुल गफ्फार खान, ठीक है, खान अब्दुल गफ्फार खान जो कहाँ से थे, पाकिस्तान से थे, ठीक है, पाकिस्तान से थे ये आपके, इसलिए हमने उनका जो है फ्लैग लगा रखा है, ठीक है, ये पाकिस्तान से थे, जिन्हें 1987 में जो है भारत रत्न से सम्मानित किया गया था, ठीक है। अगर पूछा जाता है प्रथम विदेशी खान अब्दुल गफ्फार खान थे जिन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया गया, इन्हें ये सम्मान कब प्रदान किया गया था, तो वो 1987 में जो है ये भारत रत्न इन्हें प्रदान किया गया था, ठीक है। अगर देखें तो इनकी इनका जो आंदोलन जो भारत में चल रहे थे उसमें जो है इन्होंने महात्मा गांधी के साथ मिलकर पार्टिसिपेट किया था, भारत के स्वतंत्रता संग्राम में इन्होंने क्या किया, भाग लिया, जो भारत का फ्रीडम का जो चल रहा था संग्राम उसमें जो है भाग लिया, और अपने कार्य और निष्ठा के कारण इन्हें क्या है, सरहदी गांधी, ठीक है, सरहदी गांधी और सीमांत गांधी, ठीक है, सरहदी गांधी कहा जाए या सीमांत गांधी, और बच्चा खां तथा बादशाह खान के नाम से पुकारा जाने लगा, ठीक है। इन्हें अगर उपनाम इनके पूछे जाते हैं तो आपको अधिकतर तो आपका ये पूछा जाता है सीमांत गांधी, ठीक है, सीमांत गांधी के नाम से किसे जाना जाता है, तो वो आपका कौन होगा, खान अब्दुल गफ्फार खान हो जाएंगे, ठीक है। आगे देखें तो इन्हें बच्चा खां तथा बादशाह खां के नाम से भी जाना जाने लगा, ठीक है। आगे देखते हैं पॉइंट्स, क्या सर्वप्रथम माड़ो प्रांत, ठीक है, माड़ो प्रांत की बात की जाती है, किससे जो है माड़ो प्रांत भारत रत्न दिया गया था सर्वप्रथम, तो वो दिया गया था आपका लाल बहादुर शास्त्री को, ठीक है। सबसे पहले आपका अगर बात की जाती है ये जो पुरस्कार दिया गया वो किसे दिया गया, तो वो लाल बहादुर शास्त्री को दिया गया था भारत रत्न, ठीक है, माड़ो प्रांत। अगर बात करते हैं लाल बहादुर शास्त्री की, तो इनका जन्म जो है 2 अक्टूबर 1904 को मुगलसराय में हुआ था, और मृत्यु की बात करते हैं तो ताशगंज में हुई थी 11 जनवरी 1966 को, ठीक है। अगर बात करें तो गांधी जयंती के साथ में इनका भी जन्मदिवस आता है, जो गांधी जयंती के दिन 2 अक्टूबर को ही मनाया जाता है। अगर देखें तो इनका एक स्लोगन था जय जवान जय किसान, ठीक है, जय जवान जय किसान जो है इनका एक स्लोगन था, यानी कि नारा जो है इन्होंने जो दिया था वो था जय जवान जय किसान, बहुत चर्चित नारा है जो कई एग्जाम्स में जो है पूछा गया है, ठीक है, किसने ये जय जवान जय किसान का जो है स्लोगन या नारा किसने दिया था, ये कई एग्जाम्स में पूछा गया है, तो आपकी परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इनके देखें समाधि स्थल को विजय घाट के नाम से जाना जाता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट, ठीक है, इनके जो समाधि स्थल है उसको जो है विजय घाट के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, अब तक
48 हस्तियों को भारत रत्न से सम्मानित किया जा चुका है। ठीक है, अब तक अगर बात की जाती है कितनी हस्तियों को जो है भारत रत्न से सम्मानित किया गया, तो 48 हस्तियों को सम्मानित किया गया, जिनमें से 13 हस्तियों को मरणोपरांत, ठीक है, 13 हस्तियों को क्या है मरणोपरांत भारत रत्न से सम्मानित किया जा चुका है। ठीक है, 48 से आपके 13 जो है मरणोपरांत हो गए, तो आपके कितने, 48 से आप 13 माइनस कर देंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, 35 पर्सन्स ऐसे मिल जाएंगे जिन्हें क्या है जीवित थे तब उन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया गया। ठीक है, 13 पर्सन्स को जो है आपका मरणोपरांत भारत रत्न से सम्मानित किया गया। आगे देखते हैं तो हमें मिलता है पॉइंट जनता पार्टी द्वारा, ठीक है, 1977 में, काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपका, 1977 में जो है जनता पार्टी के द्वारा, ठीक है, जनता पार्टी के द्वारा क्या हुआ आपका भारत रत्न बंद कर दिया गया था। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपका, भारत रत्न कब बंद कर दिया गया अगर पूछा जाता है तो 1977 में किसके द्वारा बंद किया गया, तो वो जनता पार्टी के द्वारा जो है बंद कर दिया गया था। आगे देखते हैं, लेकिन, ठीक है, लेकिन 1980 में, ठीक है, कांग्रेस की सरकार द्वारा पुनः आरंभ कर दिया गया, लेकिन जब 1980 में कांग्रेस की सरकार आई उसने पुनः भारत रत्न को देना आरंभ कर दिया, और जब दोबारा पुनः जब भारत रत्न का आरंभ हुआ तो ये सर्वप्रथम किसे दिया गया, मदर टेरेसा को दिया गया था। ठीक है, दोबारा जब ये 1980 में शुरू किया जाने पर यह सर्वप्रथम आपका किसको, मदर टेरेसा को जो है भारत रत्न दिया गया। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं तो है हमारा पॉइंट एक भारतीय नागरिकता प्राप्त विदेशी महिला। ठीक है, एक भारतीय नागरिकता प्राप्त और विदेशी महिला ऐसी हैं, अगर भारतीय नागरिकता प्राप्त और विदेशी महिला पूछी जाती हैं तो सबसे पहले किसे आपका भारत रत्न दिया गया, तो वो मदर टेरेसा को जो है दिया गया था, कब जो है 1980 में दिया गया था। ठीक है, जैसा कि अभी हम लास्ट में पढ़ा था 1980 में जो है भारत रत्न से इन्हें सम्मानित किया गया। उसके अलावा इन्हें क्या है 1979 में जो है नोबेल पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था। अगर बात करते हैं इनके पूरे नाम की, तो इनका पूरा नाम एग्नेस गोंजा बोया जीजू है। ठीक है, अगर देखें तो इन्हें क्या है 1979 में जो है नोबेल पुरस्कार से तथा 1980 में भारत रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया। ठीक है, इन्हें जो है नोबेल पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया, उससे साथ में ये अगले वही वर्ष आपका उससे एक वर्ष पहले इन्हें क्या था नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था, और उसके अगले एक वर्ष बाद भारत रत्न से सम्मानित किया गया। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, श्री सत्यपाल आनंद जी ने राजीव गांधी को मरणोपरांत भारत रत्न देने की प्रक्रिया को मध्य प्रदेश के उच्च न्यायालय में चुनौती दी थी। ठीक है, एक ये इम्पॉर्टेंट पूछा जाता है कि किस व्यक्ति को जो है मरणोपरांत पुरस्कार भारत रत्न दिया गया और उस पर किसने जो है चुनौती दी और कहाँ के हाई कोर्ट में दी, तो ये आपके इम्पॉर्टेंट हैं पॉइंट। सत्यपाल आनंद ने जो है मध्य प्रदेश के उच्च न्यायालय में जो है इसकी चुनौती दी गई थी इनके द्वारा। राजीव गांधी को अगर मरणोपरांत भारत रत्न की बात करते हैं तो 1991 में यानी कि 1991 में जो है इन्हें प्राप्त हुआ था। अगर बात करते हैं ये जो हमारे सत्यपाल आनंद हैं, इनका जो है सत्यपाल आनंद एक भारतीय व अमेरिकी कवि हैं, जिन्होंने कहा जो आपका मध्य प्रदेश का हाई कोर्ट पड़ता है यहाँ पर क्या किया था, इन्होंने चुनौती दी थी इन्हें मरणोपरांत पुरस्कार जो भारत रत्न दिया गया था इसके सापेक्ष। नेक्स्ट पॉइंट्स देखते हैं, अब बात करते हैं तो सबसे कम उम्र में भारत रत्न प्राप्त करने वाले व्यक्ति कौन थे, तो सबसे कम उम्र में भारत रत्न से सम्मानित किए जाने वाले व्यक्ति, ठीक है, सचिन तेंदुलकर, काफ़ी इंपॉर्टेंट, सबसे आपका कम उम्र में पूछा जाता है भारत रत्न से किसे सम्मानित किया गया, तो वो सचिन तेंदुलकर को सम्मानित किया गया था, जिन्हें का 2014 में, ठीक है, 2014 में जो है इन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया गया। अगर इनका पूरा नाम देखते हैं तो इनका पूरा नाम सचिन रमेश तेंदुलकर है, उसके अलावा उपनाम इन्हें जो है मास्टर ब्लास्टर के नाम से भी जाना जाता है। एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर, प्रथम खिलाड़ी जिन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया गया, ठीक है, इम्पॉर्टेंट, काफ़ी इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, अब तक पूछा जाता है भारत रत्न से किस खिलाड़ी को आपका जो है सम्मानित किया गया, तो वो कौन हो जाएगा, सचिन तेंदुलकर हो जाएंगे। आगे देखते हैं, अब हमारा आने वाला आगे जो है क्या है भारत रत्न से सम्मानित व्यक्ति, ठीक है, भारत रत्न से सम्मानित व्यक्ति जो हमारे 48 सम्मानित व्यक्ति हैं उनके बारे में हम देखने वाले हैं, कब उन्हें जो है भारत रत्न रिसीव किया गया हुआ और किस क्षेत्र से वे थे और किस वर्ष जो है उनको भारत रत्न दिया गया, ये सारी चीज़ें जो है देखने वाले हैं आगे। अगर आपको हमारा सेशन अच्छा लग रहा हो तो लाइक करें,
और शेयर करें अपने दोस्तों में। अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और पास में बने बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारे आने वाले वीडियोस की जानकारी आप तक सबसे पहले पहुंचे। तो आइए देखते हैं भारत रत्न से सम्मानित व्यक्ति, क्षेत्र और वर्ष। तो हम बात करते हैं तो सर्वप्रथम जो है आपका सबसे पहले जो दिया गया था सर्वप्रथम जो है आपका दिया गया था 1954 में आपका सर्वपल्ली राधाकृष्णन को, जो दर्शन शास्त्र से संबंधित थे। ठीक है, अगर बात करते हैं इनकी तो इनका जो हम 5 सितंबर को जो इनका जन्मदिवस पड़ता है, ठीक है, 5 सितंबर को उस दिन हम क्या है टीचर्स डे के रूप में सेलिब्रेट करते हैं। ठीक है, टीचर्स डे जो है सेलिब्रेट करते हैं, जो इनका 5 सितंबर को जो है जन्मदिवस पड़ता है उसके रूप में। आगे देखते हैं तो हमें मिलते हैं डॉक्टर सी वी रमन, प्रोफेसर सी वी रमन। ठीक है, जो क्या है पदार्थ विज्ञान से थे और इन्हीं के साथ में जो है आपका सर्वपल्ली राधाकृष्णन के साथ में ही इन्हें भी सम्मानित किया गया 1954 में। जो है इन्होंने क्या है रमन इफेक्ट दिया था। ठीक है, रमन प्रभाव जो है दिया था। उसके बाद देख लेते हैं श्री राजगोपालाचारी यानी चक्रवर्ती राजगोपालाचारी, पॉलिटिक्स से संबंधित थे। इन्हें जो है 1954 में, ये 3 लोग थे जिन्हें फर्स्ट टाइम क्या है भारत रत्न कब 2 जनवरी 1954 में जो है रिसीव हुआ था। ठीक है, आगे देखते हैं तो पाते हैं डॉक्टर भगवान दास। ठीक है, भगवान दास जो है दर्शन शास्त्र से संबंधित थे। इन्हें 1955 में जो भारत रत्न से सम्मानित किया गया। उसके बाद में आते हैं डॉक्टर एम विश्वेश्वरैया। ठीक है, डॉक्टर एम विश्वेश्वरैया जो साइंस से संबंधित थे, इन्हें 1955 में ही भारत रत्न से सम्मानित किया गया। अगर इनकी बात करते हैं तो इनके जन्म दिवस पर हम लोग क्या है इंजीनियर्स डे जो है सेलिब्रेट करते हैं। ठीक है, इंजीनियर्स डे जो है सेलिब्रेट किया जाता है। ठीक है, इंजीनियर्स डे जो है हम लोग सेलिब्रेट करते हैं एम विश्वेश्वरैया के जन्मदिवस पर। ठीक है, इंजीनियर्स डे कब सेलिब्रेट करते हैं कमेंट करके बताएं आप लोग, अगर पता है तो। ठीक है, इंजीनियर्स डे आपने कमेंट करके बताया। ये आपका जो है 15 सितंबर को मनाया जाता है। ठीक है, 15 सितंबर को आपका ये मनाया जाता है। ठीक है, इंजीनियर्स डे जो मनाया जाता है वो 15 सितंबर को मनाया जाता है। किसके जन्मदिवस पर मनाया जाता है तो वो आपके एम विश्वेश्वरैया के जन्मदिवस पर मनाया जाता है। उसके आगे देखते हैं तो हमें मिले डॉक्टर पंडित जवाहरलाल नेहरू, जो पॉलिटिक्स से थे 1955 में। इन्हें भी भारत रत्न से ही सम्मानित किया गया। ठीक है, ये भारत के क्या थे पहले जो है प्राइम मिनिस्टर थे, भारत के पहले प्रधानमंत्री। ठीक है, फर्स्ट आपके प्राइम मिनिस्टर थे, पीएम। ठीक है, फर्स्ट पीएम थे जो आपके ये जवाहरलाल नेहरू थे। और उनके अलावा काफ़ी इनकी बुक्स भी हैं, आपने पढ़ी होंगी। आगे देखते हैं पंडित गोविंद बल्लभ पंत, ये पॉलिटिक्स से संबंधित थे। इन्हें भी क्या 1957 में इन्हें जो है भारत रत्न से सम्मानित किया गया। उसके बाद आते हैं डॉक्टर ढोंडो कैसब कर्वे, समाज सेवी थे। इन्हें जो है 1958 में जो है भारत रत्न से सम्मानित किया गया। उसके बाद आते हैं डॉक्टर विधान चंद्र रॉय। ठीक है, डॉक्टर विधान चंद्र रॉय जिन्हें 1961 में जो है भारत रत्न से सम्मानित किया गया। और डॉक्टर विधान चंद्र रॉय के जन्मदिवस को हम लोग डॉक्टर्स डे के रूप में जो है सेलिब्रेट करते हैं। तो आप लोग कमेंट करके बताएं जल्दी से जल्दी डॉक्टर्स डे जब हम लोग कब सेलिब्रेट करते हैं। ठीक है, तो जो आपका डॉक्टर्स डे हम सेलिब्रेट करते हैं वो 1 जुलाई को करते हैं। डॉक्टर्स डे जो है सेलिब्रेट किया जाता है। ठीक है, डॉक्टर्स डे जो है आपका 1 जुलाई को जो है सेलिब्रेट किया जाता है। और उसके अलावा बात करते हैं तो इन्हें जो है आधुनिक पश्चिम बंगाल का पिता भी कहा जाता है। ठीक है, आधुनिक पश्चिम बंगाल का पिता। ठीक है, आधुनिक पश्चिम बंगाल का पिता कहें या जनक भी कहा जाता है। आगे देखते हैं तो पुरुषोत्तम दास टंडन, ये भी आपके पॉलिटिक्स से संबंधित थे। इन्हें जो है भारत रत्न 1961 में ही दिया गया था, जो डॉक्टर विधान चंद्र के राय के साथ में ही दिया गया था। इनको बात करते हैं तो इन्हें राजऋषि के नाम से जाना जाता है। ठीक है, राजऋषि के नाम से जाना जाता है। इनका इम्पोर्टेंट फैक्ट है यही, राजऋषि के नाम से इन्हें जाना जाता है। आगे देखते हैं तो हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद,
जिन्हें जो है अगर बात करते हैं तो हमारे फर्स्ट प्रेसिडेंट थे, ठीक है, प्रथम प्रेसिडेंट यानी कि फर्स्ट राष्ट्रपति थे, ठीक है, प्रथम राष्ट्रपति थे जो हमारे ये डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जिन्हें 1962 में जो है भारत रत्न से सम्मानित किया गया। उसके बाद देखते हैं डॉक्टर जाकिर हुसैन, ठीक है, जिन्हें शिक्षा शास्त्र में दिया गया और इन्हें 1963 में दिया गया था। ये क्या थे, भारत के दूसरे उपराष्ट्रपति थे, ठीक है, भारत के दूसरे उपराष्ट्रपति थे जिन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया गया। और इसके अलावा बात की जाए तो आप बता सकते हैं कमेंट करके पहले उपराष्ट्रपति कौन थे। आगे देखते हैं, डॉक्टर पांडुरंग शामत कांडे, ठीक है, पर डॉक्टर पांडुरंग शामत कांडे, इन्हें जो है आपका संस्कृत के क्षेत्र में 1963 में जो है भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। उसके आगे देखते हैं डॉक्टर कौन आपके हैं, लाल बहादुर शास्त्री। लाल बहादुर शास्त्री अगर बात की जाती है सर्वप्रथम मरणोपरांत किसे भारत रत्न से सम्मानित किया गया था, तो आपके थे डॉक्टर लाल बहादुर शास्त्री, जिन्हें जो है भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। अगर इनकी बात करते हैं तो इनका जो स्लोगन है जय जवान जय किसान, ठीक है, जय जवान जय किसान काफ़ी फेमस रहा है, जय जवान जय किसान स्लोगन इनका कई एग्जाम से पूछा गया है। उसके आगे हम देख लेते हैं तो हमें मिलती हैं श्रीमती इंदिरा गांधी, जिन्हें जो है पॉलिटिक्स में दिया गया और 1972 में दिया गया था, ठीक है, 1972 में जो है इंदिरा गांधी को दिया गया था भारत रत्न, ठीक है। और अगर बात की जाती है सर्वप्रथम भारत रत्न से सम्मानित होने वाली प्रथम महिला की बात की जाए तो आपकी डॉक्टर श्रीमती इंदिरा गांधी थी, जिन्हें सबसे पहली फर्स्ट लेडी थी जिन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया गया। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं वराह वेंकट गिरी, ठीक है, आपके ये भी आपके राष्ट्रपति रह चुके हैं वीवी गिरी, पॉलिटिक्स से थे संबंधित, इन्हें 1975 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया। उसके बाद आते हैं कुमारा स्वामी कामराज, जिन्हें जो है 1976 में जो है भारत रत्न से सम्मानित किया गया और इन्हें मरणोपरांत जो है भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। आगे देखते हैं तो एग्नेस गुंजा बोयाजीजू समाज सेवी थी, इन्हें जो है भारत रत्न से 1980 में जो है सम्मानित किया गया था। आगे देखते हैं आचार्य विनोबा भावे, आचार्य विनोबा भावे एक समाज सेविक थे जिन्हें जो है 1983 में जो है भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। अगर इनका सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट पूछा जाता है तो इन्होंने भूदान मूवमेंट जो था, भूदान आंदोलन था, उसका जो है इन्होंने संचालन किया था, भूदान आंदोलन का जो है इन्होंने संचालन किया था। आगे देखते हैं तो मिलते हैं खान अब्दुल गफ्फार खान, ये एक समाज सेवी थे जो आपके पाकिस्तान के थे और भारत में आकर इन्होंने भारत की स्वतंत्रता में जो है पार्टिसिपेट किया था, इसलिए जो है इन्हें भारत रत्न दिया गया, ठीक है, समाज सेवी थे और इन्हें भारत रत्न दिया गया। अगर विदेशी की बात की जाती है तो प्रथम विदेशी नागरिक थे जिन्हें जो है भारत रत्न से सम्मानित किया गया था, ठीक है, प्रथम विदेशी, जैसा कि अभी हम बता चुके आपको हैं। फिर आते हैं मरदूर गोपालन रामचंद्रन, जो पॉलिटिक्स से 1988 में जो है 1988 में जो है भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। नेक्स्ट देखते हैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, ठीक है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जिन्हें मरणोपरांत भारत रत्न से सम्मानित किया गया और राजनीति से थे ये, 1980 में जो है भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। अगर इनकी बात करते हैं तो इन्हें फादर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है, यानी कि संविधान का पिता, ठीक है, संविधान का पिता कहा जाता है आपका डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को, संविधान का पिता, ठीक है, फादर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। आगे देखते हैं तो हमें मिलते हैं नेल्सन मंडेला, इन्हें भी समाज सेवा के लिए 1990 में जो है भारत रत्न दिया गया। और ये अगर बात की जाती है तो इन्हें अफ्रीकन गांधी के नाम से जाने जाते हैं, ये अफ्रीका के व्यक्ति थे जिन्होंने वहाँ पर डिस्क्रिमिनेशन जो चल रहा था, यानी कि जो भेदभाव थी, उस नीति को जो है इन्होंने वहाँ पर ख़त्म किया था, इसलिए यहाँ क्या है इन्हें अफ्रीकन गांधी के नाम से जाना जाता है, ठीक है, अफ्रीकन गांधी पूछा जाए तो आपके हो जाएंगे नेल्सन मंडेला। अगर पूछा जाता है सीमांत गांधी तो आपका कौन हो जाएगा भाई, कमेंट करके बताएं, खान अब्दुल गफ्फार खान, ठीक है। आगे देखते हैं तो राजीव गांधी, इन्हें 1991 में जो है भारत रत्न से सम्मानित किया गया, ये पॉलिटिक्स से संबंधित थे, इन्हें भी क्या है मरणोपरांत भारत रत्न से सम्मानित किया गया। नेक्स्ट देखते हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल,
जिन्हें भारत रत्न से जो है 1991 में जो है सम्मानित किया गया, पॉलिटिक्स से थे और मरणोपरांत इन्हें सम्मानित किया गया था भारत रत्न से। अगर बात करते हैं तो इनके जन्म दिवस को हम लोग 31 अक्टूबर को जो है यूनिटी डे या एकता दिवस के रूप में मनाते हैं, ठीक है, एकता दिवस के रूप में मनाते हैं, क्योंकि इन्होंने लोगों को जोड़ने का काम किया था, इन्होंने यूनिटी भारत में बनाई थी, इसलिए जो है इनके जन्म दिवस पर एकता दिवस के रूप में मनाया जाता है। उसके अलावा अगर पूछा जाता है तो लोह पुरुष के नाम से भी इन्हें जाना जाता है, ठीक है, आयरन मैन ऑफ इंडिया। अगर आयरन लेडी ऑफ इंडिया कहा जाए तो वो आपकी इंदिरा गांधी हैं, ठीक है। मोरारजी देसाई, इन्हें भी भारत 1991 में सम्मानित किया गया, जो पॉलिटिक्स से थे। फिर आते हैं मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, ठीक है, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद जिन्हें 1972 में यानी कि 1992 में जो है भारत रत्न सम्मानित किया गया और मरणोपरांत सम्मानित किया गया था। अब आप लोगों से यहाँ पर एक क्वेश्चन करूँगा, आपको बताना है मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के जन्म दिवस को हम किस दिवस के रूप में सेलिब्रेट करते हैं। हम इनके जन्म दिवस को जो है शिक्षा दिवस के रूप में जो है एजुकेशन डे के रूप में जो है सेलिब्रेट करते हैं, शिक्षा दिवस के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है। और कब किया जाता है तो ये 11 नवंबर को जो है सेलिब्रेट किया जाता है। नेक्स्ट देखते हैं JRD टाटा उद्योग, ठीक है, टाटा उद्योग यानी कि JRD जहांगीर रतन भाई टाटा थे, इनको जो है आपका जो है भारत रत्न से सम्मानित किया गया JRD टाटा को 1992 में, ठीक है। फिर उसके बाद आते हैं सत्यजीत रे जो फिल्म इंडस्ट्री से संबंधित थे, इन्हें 1992 में इन्हीं के साथ सम्मानित किया गया। फिर आते हैं हमारे गुलजारी लाल नंदा, इन्हें जो है 1997 में यानी कि 1997 में जो है सम्मानित किया गया, और ये किससे थे, पॉलिटिक्स से संबंधित थे गुलजारी लाल नंदा। अगर बात की जाती है तो ये भारत के जो है दो बार जो है कार्यवाहक प्रधानमंत्री रहे। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम आज़ाद, ठीक है, मिसाइल मैन ऑफ इंडिया, ठीक है, मिसाइल मैन के नाम से जाना जाता है इन्हें, ठीक है, मिसाइल मैन के नाम से इन्हें जाना जाता है आपका APJ अब्दुल कलाम, अबुल पाकिर जैनुअल आब्दीन अब्दुल कलाम, ठीक है। इनका जो है बात करते हैं तो इन्हें फिजिक्स में जो है इनका क्षेत्र था, और 1997 में यानी कि 1997 में जो है इन्हें सम्मान किया गया था। उसके साथ देखते हैं श्रीमती अनुरा आसिफ अली, जिन्हें मरणोपरांत भारत रत्न से सम्मानित किया गया, और कब सम्मानित किया गया तो वो 1997 में इन्हीं के साथ में जो है अनुरा आसिफ अली को भी सम्मान दिया गया था। अगर अनुरा आसिफ अली की बात करते हैं तो ये 1958 में, ठीक है, 1958 में क्या था, दिल्ली की फर्स्ट मेयर जो है सेलेक्ट की गई थी, ठीक है, दिल्ली की फर्स्ट मेयर थी, ये फर्स्ट मेयर जो है इन्हें सेलेक्ट किया गया था दिल्ली का। उसके बाद बात करते हैं तो आती है हमारी MS सुब्बुलक्ष्मी, जिन्हें जो है भारत रत्न से सम्मानित किया गया। अगर बात करते हैं तो इनका जो क्षेत्र था वो संगीत का था, यानी गायिका थी ये, और उसके अलावा जो है इन्हें 1998 में जो है भारत रत्न से सम्मानित किया गया। अगर आपको हमारा सेशन अच्छा लग रहा है तो लाइक करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। आगे देखते हैं श्री MS श्री सुब्रमण्यम, ये आपके पॉलिटिक्स से संबंधित थे और इन्हें 1998 में जो है भारत रत्न से सम्मानित किया गया। फिर उसके बाद देखते हैं जयप्रकाश नारायण, इन्हें जो है मरणोपरांत आपका भारत रत्न दिया गया, और वो राजनीति से संबंधित थे, कब दिया गया था तो वो 1998 में जो है इन्हें भी भारत रत्न से सम्मानित किया गया था, ठीक है। जयप्रकाश नारायण की बात करते हैं तो इन्हें जो है लोकनायक के नाम से भी लोकनायक भी कहा जाता है। आगे देखते हैं तो आपका पंडित रविशंकर, जो एक संगीतज्ञ थे, इन्हें 1990 में जो है भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। आगे देखते हैं अमृत सेन, एक अर्थशास्त्री, जिन्हें अर्थशास्त्र में जो है काफ़ी अनुभव, अर्थशास्त्री थे, इन्हें जो है 1991 में जो है भारत सॉरी 1999 में जो है भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। फिर देखते हैं तो गोपीनाथ बारदोलोई, इन्हें मरणोपरांत जो है भारत रत्न से सम्मानित किया गया, ये भी पॉलिटिक्स से ही थे, और 1991 में जो है इन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया गया। फिर देखते हैं अभी हमारी हाल ही में निधन हुआ भारत रत्न लता मंगेशकर, ठीक है, इन्हें भारत रत्न से सम्मानित जो है, ये आपकी सिंगर थी, सबको पता होगा, ठीक है, 2001 में जो है इन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। अगर बात करते हैं तो इन्हें भारत की नाइटिंगेल ऑफ इंडिया कहा जाता है, स्वर कोकिला जो है इन्हें स्वर कोकिला महिला कहा जाता है। अगर कोकिला महिला पूछा जाता तो वो आपकी हो जाती हैं
सरोजिनी नायडू, ठीक है। अगर स्वर कोकिला महिला की बात की जाती है तो आपकी लता मंगेशकर आती हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कौन भाई अभी आगे हस्तियाँ जो हैं जिन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया जा चुका है अब तक। देखते हैं तो उस्ताद बिस्मिल्ला खान जो एक शहनाई वादक थे, इन्हें जो है संगीत के क्षेत्र में थे, इन्हें 2001 में जो है लता मंगेशकर के साथ में ही सम्मानित किया गया था। आगे देखते हैं तो पंडित भीमसेन जोशी जो शास्त्रीय संगीत से संबंधित थे, इन्हें 2008 में जो है सम्मानित किया गया आपका। फिर देखते हैं सी एन राव, ठीक है। सी एन राव एक साइंटिस्ट हैं जिन्हें जो है 2014 में यानी कि इन्हीं के साथ में सचिन तेंदुलकर को भी सम्मानित किया गया था, ठीक है। आगे देखते हैं सचिन तेंदुलकर, ठीक है, इन्हें जो है 2014 यानी 2014 में किस क्षेत्र से थे तो ये खिलाड़ी थे, ठीक है। अगर बात की जाती है सचिन तेंदुलकर के बारे में तो सबसे कम उम्र में अगर बात की जाए सबसे कम उम्र में जो है भारत रत्न किसे दिया गया तो वो जो था आपका सचिन तेंदुलकर को मिला था। और खिलाड़ी की भी बात की जाती है प्रथम खिलाड़ी किसे था तो वो सचिन तेंदुलकर हो गया, ठीक है। अगर बात करते हैं सचिन तेंदुलकर की, जैसा कि अभी हमने पीछे बताया था कि सचिन तेंदुलकर का पूरा नाम क्या है, सचिन रमेश तेंदुलकर, और उसके अलावा इनका जो उपनाम है वो मास्टर ब्लास्टर है। अगर बात करते हैं आगे तो हमारा 2015 में, ठीक है, 2015 में जो था वो पंडित मदन मोहन मालवीय को जो भारत रत्न से सम्मानित किया गया, और ये क्या था, इन्हें मरणोपरांत जो है ये सम्मानित किया गया, जिसके साथ ये समाज सेवा से जुड़े हुए व्यक्ति थे। अगर बात करते हैं तो बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के क्या थे, फाउंडर थे, ठीक है, बनारस BHU, ठीक है, BHU बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के फाउंडर थे। उसके आगे देखते हैं अटल बिहारी वाजपेयी, ठीक है, जो पॉलिटिक्स से थे, इन्हें 2015 में जो है भारत रत्न से सम्मानित किया गया। और इनकी बात करते हैं तो इन्होंने जय जवान जय किसान और जय विज्ञान जो है उस नारे में जोड़ा है, ठीक है, जय जवान जय किसान और जय विज्ञान अगर नारा पूछा जाता है किसने दिया तो वो था अटल बिहारी वाजपेयी ने दिया। नेक्स्ट देखते हैं तो नेक्स्ट क्या है आपका, प्रणब मुखर्जी, ठीक है, पॉलिटिक्स से संबंधित थे, इन्हें जो है भारत रत्न से कब सम्मानित किया गया था तो यहाँ पर मिसपेल्ट हुई, ठीक है, 2019 में जो है इन्हें दिया गया, 2019 में दिया गया प्रणब मुखर्जी, आपके जो 13वें राष्ट्रपति थे भारत के। नाना देशमुख जी ये एक समाज सेविक थे। उसके अलावा आपके भूपेंद्र हजारिका, ये जो एक संगीतज्ञ थे, इन्हें जो भारत रत्न से सम्मानित किया गया। अगर बात की जाती है भूपेन हजारिका नाम से एक आपका असम में पुल भी है, ये असम के ही रहने वाले थे। उसके साथ ही इन्हें क्या मरणोपरांत भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। ये तो हम अगर ये हो गई 48 हस्तियाँ जिन्हें अब तक भारत रत्न से सम्मानित किया जा चुका है। तो अब देखते हैं हमारे भारत रत्न से संबंधित प्रतियोगी परीक्षाओं में आने वाले संभावित प्रश्न, ठीक है। अब भारत रत्न से संभावित आपके जो प्रश्न आपके एग्ज़ाम में जो बनते हैं उनको देखने वाले हैं। और देखते हैं हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, भारत रत्न की शुरुआत, ठीक है, भारत रत्न की शुरुआत किस वर्ष हुई थी। अगर पूछा जाता है भारत रत्न की शुरुआत किस वर्ष हुई थी तो आपको कमेंट करके आंसर बताना है। जैसा कि अभी हमने पूरा जो संपूर्ण ज्ञान दिया उसमें सबसे पहले अगर पॉइंट था तो यही था आपका भारत रत्न की जो आरंभ किस वर्ष हुआ था तो ये कब हुआ था, 1954 में, ठीक है। सी क्या हो जाएगा आपका, 1954 क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। अगर पूरी बात करते हैं फुल एग्जाम डेट की तो 2 जनवरी 1954 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एक वर्ष में भारत रत्न से कितने व्यक्तियों को सम्मानित किया जा सकता है, ठीक है, एक वर्ष में कितने अधिकतम कितने व्यक्तियों को जो है भारत रत्न से अगर सम्मानित किया जा सकता है वो आपको बताना है, ठीक है। 5 व्यक्तियों को, 4 व्यक्तियों को, 3 व्यक्तियों को, 2 व्यक्तियों को, या फिर आपको अभी जैसे कि हमने बताया है भारत रत्न अब तक हमने देखा एक वर्ष में कितने लोगों को दिया जा चुका है अधिकतम, तो वो सी हो जाएगा आपका राइट आंसर, 3 व्यक्ति से अधिक को नहीं एक वर्ष के अंतर्गत दिया जा सकता है। एक वर्ष में मात्र 3 लोगों को ही भारत रत्न से 3 व्यक्तियों को ही आपका सम्मानित किया जा सकता है, तो आपका क्या हो जाएगा अधिकतम जो है 3 व्यक्तियों को ही भारत रत्न से सम्मानित किया जा सकता है, यानी थर्ड जो होगा सी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 2019 में भारत रत्न से कितनी हस्तियों को सम्मानित किया गया था, ठीक है, 2019 में अगर बात की जाती है कितने व्यक्तियों को आपका सम्मानित किया गया तो आपको जैसा कि अभी हमने लास्ट में ही सबसे बताया था भारत रत्न से सम्मानित कितने व्यक्तियों को किया गया 2019 में, आपका 3 व्यक्तियों को जो है सम्मानित किया गया, ठीक है, 3 व्यक्तियों को सम्मानित किया गया था जिसमें आपके प्रणब मुखर्जी, ठीक है, प्रणब मुखर्जी थे,
प्रणब, उसके बाद में देशमुख, ठीक है नाना जी देशमुख, फिर भूपेंद्र हजारिका, ये तीन लोग थे जिन्हें जो है आपका जो है 2019 में यानी कि 2019 में जो है इन्हें सम्मानित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अब तक कितनी हस्तियों को भारत रत्न से सम्मानित किया जा चुका है। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, जैसा कि हमने बताया था आपको, काफ़ी बार आपके पूछा गया है कि एग्ज़ाम में कि भारत रत्न से अब तक कितनी हस्तियों को सम्मानित किया जा चुका है, तो वो कितनी हस्तियों को सम्मानित किया जा चुका है, 48 हस्तियों को जो है 48 हस्तियों को सम्मानित किया जा चुका है, जिसमें से आपकी 13 मरणोपरांत, और बात करते हैं 13 मरणोपरांत, उसके बाद में बात करते हैं आपका भारत रत्न जो बचा वो आपका 35 जीवित व्यक्तियों को, अगर इसमें वुमेंस की बात की जाती है तो 5 वुमेंस को अब तक भारत रत्न से सम्मानित किया जा चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत का सर्वोच्च सम्मान कौन सा है। ठीक है, भारत का सर्वोच्च सम्मान कौन सा है। ठीक है, सर्वोच्च सम्मान, जैसा कि हमने शुरुआत में ही आपको बताया था, पद्म विभूषण नहीं होता है भाई, पद्म भूषण ये भी नहीं होता है, दादा शाह फाल्के पुरस्कार ये तो फिल्म उद्योग का सबसे बड़ा पुरस्कार है, लेकिन आपका अगर भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान पूछा जाता है तो वो क्या हो जाएगा, भारत रत्न हो जाएगा, जिसे कब आरंभ किया गया था, 1954 में, ठीक है 1954 में जो है इसे आरंभ किया गया था, अगर डेट की बात करते हैं तो 2 जनवरी 1954 में आरंभ किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अब तक कुल कितने विदेशियों को भारत रत्न से सम्मानित किया जा चुका है। ठीक है, अगर बात की जाए अब तक कुल कितने विदेशियों को आपका जो है भारत रत्न से सम्मानित किया जा चुका है, अगर हम इस क्वेश्चन को हटा दें, अगर यहाँ पर आपसे हम पूछते हैं पहला विदेशी कौन था जिसे भारत रत्न से सम्मानित किया गया था, तो पहला विदेशी कौन हो जाएगा आपका, खान अब्दुल गफ्फार खान। ठीक है, खान अब्दुल गफ्फार खान जो है पहला विदेशी हो जाएगा जिसे भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। उसके बाद में देखते हैं तो नेल्सन मंडेला थे जिन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया गया था, और उसके बाद देखते हैं तो और कोई विदेशी हमारा नहीं है जिसे भारत रत्न से सम्मानित किया गया। अगर बात करते तो आपकी क्या है, जो मदर टेरेसा थी वो विदेशी थी, लेकिन उन्होंने जो भारत रत्न दिया गया था उस समय उन्होंने भारत की नागरिकता प्राप्त कर ली थी, तो आपकी क्या हो जाएंगे विदेशी जो है कितने व्यक्तियों को भारत रत्न से सम्मानित किया गया, तो वो आपका क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन सही हो जाएगा, मात्र 2 व्यक्तियों को जो है अब तक भारत रत्न से सम्मानित किया गया है जो विदेशी थे। नेक्स्ट, भारत रत्न किस क्षेत्र में दिया जाता है। ठीक है, भारत रत्न किस क्षेत्र में दिया जाता है, कला, साहित्य, विज्ञान, किसी भी क्षेत्र में, जैसा कि हमने बताया था ये जो है पहले जो है इन क्षेत्रों में दिया जाता था, कब तक, 2011 से पहले, और 2011 के बाद से हर किसी भी क्षेत्र में ये जो है दिया जा सकता है, अब उत्कृष्ट योगदान के लिए किसी भी क्षेत्र से हो आप उस क्षेत्र में दिया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत रत्न सम्मान किस अवसर पर दिया जाता है। अगर बात की जाए तो आपका भारत रत्न जो सम्मान होता है ये किस अवसर पर दिया जाता है, गांधी जयंती पर, जो आपका गांधी के जन्मदिवस के रूप में 2 अक्टूबर को मनाया जाता है उस पर, स्वतंत्रता दिवस जो आपका 15 अगस्त को मनाया जाता है उस पर, या फिर गणतंत्र दिवस 26 जनवरी को मनाया जाता है उस पर दिया जाता है, या शहीद दिवस पर जो 23 मार्च को मनाया जाता है उस पर। ठीक है, शहीद दिवस आपका अगर बात करें तो 2 बार मनाया जाता है, एक आपका 30 जनवरी को भी मनाते हैं, महात्मा गांधी जी को जब गोली मारी थी आपके नाथुराम गोडसे ने, तो उसको भी हम लोग शहीद दिवस के रूप में मनाते हैं, लेकिन यहाँ पर जो हमने विकल्प दे रखा है वो 23 जनवरी। ठीक है, तो अगर बात करते हैं तो यहाँ पर आपका जो दिया गया है उसके लिए आपका राइट आंसर क्या होना चाहिए भाई, कमेंट करके बताएं, क्योंकि आपको ये हम बता चुके हैं, आपका जो है कब दिया जाता है, गणतंत्र दिवस पर, यानी 26 जनवरी के अवसर पर आपका ये क्या है, भारत रत्न से सम्मानित किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत रत्न सम्मान के साथ कितनी धनराशि प्रदान की जाती है। ठीक है, भारत रत्न जो होता है इसके साथ में कितनी धनराशि प्रदान की जाती है, आपको काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, 5 लाख, 2.5 लाख, 3 लाख, कोई भी नहीं। अगर बात करते हैं तो आपके भारत रत्न के साथ में क्या है, कोई भी राशि नहीं प्रदान की जाती है, किसी भी प्रकार की राशि प्रदान नहीं की जाती है, बल्कि इसके साथ में आपको कुछ सेवाएँ दी जाती हैं, जैसे कर से मुक्त आपको होगा, या फिर आप कैबिनेट मंत्री के योग्य हो जाएंगे, या फिर आपको क्या है एयर इंडिया जो होती है उसकी प्रथम श्रेणी की आपकी फ़्लाइट मुफ्त होगी जीवन भर। ठीक है, तो ये आपकी इसके अंतर्गत क्या हो जाएगा, भारत रत्न के सम्मान के अंतर्गत कोई भी धनराशि नहीं दी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत रत्न से सम्मानित
प्रथम विदेशी कौन है, ठीक है, प्रथम भारत रत्न सम्मानित प्रथम विदेशी कौन है, जैसा कि आपको हमने अभी बताया था, पीछे जो सेट करवाया तो उस समय बताया था आपका भारत रत्न से सम्मानित प्रथम विदेशी कौन है, वो खान अब्दुल गफ्फार खान है, ठीक है, खान अब्दुल गफ्फार खान थे जिन्हें भारत रत्न से प्रथम विदेशी थे जिन्हें सम्मानित किया गया आपका, कब सम्मानित किया गया आप लोग कमेंट करके बताएं, खान अब्दुल गफ्फार को जो है भारत रत्न से सम्मानित कब किया गया था, जल्दी से जल्दी कमेंट करके बताएं। तो इनको जो सम्मानित किया गया था वो 1987 में, ठीक है, 1987 में जो है भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत रत्न पाने वाली प्रथम महिला कौन है, ठीक है, वो सारे क्वेश्चंस ऐसे ही क्वेश्चंस आपको आते हैं, आप बहुत हल आपको ये सरल क्वेश्चंस लग रहे होंगे, जब आपको हमने पूरा पढ़ा दिया, संपूर्ण ज्ञान दे दिया है तो आपको बहुत सरल ही क्वेश्चन लग रहे होंगे, फिर भी देखते हैं। तो आपको कमेंट करके बताना है भारत रत्न पाने वाली प्रथम महिला कौन है, तो आपकी ये कौन थी, इंदिरा गांधी थी, ठीक है, भारत रत्न से सम्मानित होने वाली प्रथम महिला की बात करते हैं तो ये आपकी कौन थी, इंदिरा गांधी थी, जिन्हें जो है भारत रत्न से सम्मानित किया गया था, और कब किया गया था तो ये 1971 में जो है इन्हें सम्मानित किया गया था, ठीक है, 1971 में जो है भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मरणोपरांत भारत रत्न से सम्मानित प्रथम व्यक्ति, ठीक है, मरणोपरांत किस व्यक्ति को जो है भारत रत्न से सम्मानित किया गया था, तो आपको ये कमेंट करके बताना है। अगर बात की जाए तो ये आपका किसको सम्मानित किया गया था, डॉक्टर लाल बहादुर शास्त्री को सबसे पहले मरणोपरांत आपका भारत रत्न दिया गया था, डॉक्टर लाल बहादुर शास्त्री इन्हें कब दिया गया था, तो ये आपका मरणोपरांत इन्हें जब पुरस्कार दिया गया था तो 1966 में जो है भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। अगर आगे बात करते हैं और देखते हैं, उससे पहले हम इसी क्वेश्चन में एक और क्वेश्चन है हमारा जो पूछता है आपसे, आपको बताना है मरणोपरांत भारत रत्न से संबंधित उस व्यक्ति का नाम बताना है जिसके खिलाफ जो है जिसको चुनौती दी गई थी मध्य प्रदेश के हाई कोर्ट में सत्यपाल आनंद के द्वारा, उसको कौन से व्यक्ति को था जिसे मरणोपरांत जो है पुरस्कार दिया गया था, उसके लिए जो है सत्यपाल आनंद ने जो है मध्य प्रदेश के हाई कोर्ट यानी कि उच्चतम न्यायालय में जो है चुनौती दी गई थी, तो वो कौन थे, राजीव गांधी हो जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत रत्न पर किस वर्ष रोक लगा दी गई थी, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन काफ़ी है, ठीक है, आपका किस वर्ष जो है भारत रत्न पर रोक लगाई गई थी, तो वो आपकी 1977 में लगा दी गई थी, भारत रत्न पर रोक लगाई गई थी। उसके अलावा आपको कमेंट करके बताना है किस पार्टी द्वारा जो है रोक लगाई गई थी भारत रत्न पर, तो अगर बात करते हैं, अगर पार्टी पूछी जाती है तो वो क्या हो जाएगी, जनता पार्टी के द्वारा जो है भारत रत्न पर रोक लगाई गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत रत्न से सम्मानित प्रथम प्रधानमंत्री कौन है, ठीक है, भारत रत्न से सम्मानित प्रथम प्रधानमंत्री कौन है, भारत रत्न से सम्मानित होने वाले पहले प्रधानमंत्री कौन थे भाई, जेएल नेहरू थे, ठीक है, जेएल नेहरू थे जिन्हें जवाहरलाल नेहरू को जो है सबसे पहले प्रधानमंत्री थे जिन्हें जो है भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। अभी आपको बताना है कब इन्हें जो है सम्मानित किया गया था भारत रत्न से, तो इन्हें 1955 में जो है भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत रत्न मेडल का आकार किस वृक्ष के पत्ते के आकार का होता है, आपको बताना है किस वृक्ष के पत्ते के समान जो मेडल भारत रत्न जो मेडल होता है वो किस पत्ते के आकार का होता है। इतना आपको हमने दिखा चुके हैं आपको पिक्चर्स जो है भारत रत्न की, तो अब आप बता सकते हैं आराम से कौन से पत्ते के समान होता है, किस पेड़ वृक्ष के, तो वो पीपल के वृक्ष के समान होता है आपका, ठीक है, इस तरीके से जो था आपका, ठीक है, इस तरीके से पीपल के पत्ते के समान होता है, ऊपर की ओर चोन होती है, ठीक है, पीपल के पत्ते के समान जो है आपका होता है भारत रत्न, और जिसमें जो है आपका क्या होता है, एक तरफ अशोक का चिन्ह बना होता था, दूसरी तरफ क्या होता है सूर्य बना होता है, सूर्य जब बना होता है जिसके नीचे आपका भारत रत्न अंकीर्ण होता है, उत्कीर्ण होता है, जिसे जो है किसमें किया जाता है आपका देवनागरी लिपि में। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से 2019 में, ठीक है, 2019 में भारत रत्न से किसे सम्मानित नहीं किया गया, ठीक है, यानी कि सम्मानित नहीं किया गया 2019 में जो है किसे जो है भारत रत्न से सम्मानित नहीं किया गया था, प्रणब मुखर्जी, भूपेन हजारिका, नाना देशमुख और सचिन तेंदुलकर। अगर बात करते हैं तो सचिन तेंदुलकर को क्या है 2014 में जो है भारत रत्न से सम्मानित किया गया था, ना कि 2019 में, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, राइट, सचिन तेंदुलकर, डी आपका राइट आंसर होगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत रत्न से सम्मानित प्रथम भारतीय खिलाड़ी कौन है। ठीक है, भारत रत्न से सम्मानित अगर प्रथम भारतीय खिलाड़ी की बात की जाती है, एकमात्र अब तक खिलाड़ी हुआ जिसे भारत रत्न से सम्मानित किया गया, वो कौन है भाई आपके, सचिन तेंदुलकर। ठीक है, और कब सम्मानित किया गया, तो ये इन्हें 2014 में सम्मानित किया गया, इतनी बार बता चुके हैं आपको। ठीक है, आगे देखते हैं, भारत रत्न प्राप्त करने के साथ व्यक्ति को व्यक्ति ही कौन कौन सी सुविधाएं प्राप्त करता है। ठीक है, व्यक्ति को यानी कि कौन कौन सी सुविधाएं जो है प्राप्त होती हैं। ठीक है, व्यक्ति को कौन कौन सी सुविधाएं प्राप्त होती ही काट दो यहाँ पर। ठीक है, व्यक्ति को कौन कौन सी सुविधाएं प्राप्त होती हैं, एक कर से मुक्ति, कैबिनेट मंत्री दर्जे की योग्यता, आजीवन एयर इंडिया की प्रथम श्रेणी की हवाई यात्रा, ये सारी जो है सेवाएं जो है प्रदान होती हैं जो भारत रत्न रिसीव करता है। ठीक है, ये सभी सेवाएं उसे क्या होती हैं, प्रदान की जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सुभाष चंद्र बोस को किस वर्ष भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। अब तक हमने आपको बताया कितनी 48 हस्तियों को जो है भारत रत्न से सम्मानित किया गया, जो हमने सारी एक एक करके सारे लोगों को आपको हमने बताया, परिचय करवाया, बताया कि किसको कब दिया गया। तो आप बता सकते हैं कि सीधी सी बात है, कहीं पर भी आपका सुभाष चंद्र बोस का नाम ही नहीं उस हस्तियों में आया, तो इन्हें क्या है, भारत रत्न से कभी भी सम्मानित नहीं किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत रत्न सम्मान किस रंग के फीते के साथ गले में पहनाया जाता है। अगर बात करते हैं आपका जो भारत रत्न होता है ये आपका गले में पहनाया जाता है मेडल की तरीके से, तो ये कौन से कलर के जो है फीते में पहनाया जाता है, तो आपका वाइट कलर का फीता होता है। ठीक है, सी जो है जाएगा आपका आंसर राइट हो जाएगा, सफ़ेद कलर के फीते में जो है पहनाया जाता है। अगर आप हमारा सेशन यहीं पर ख़त्म होता है, अगर आपको हमारा सेशन अच्छा लगा है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें अगर आपने अब तक नहीं किया है तो, और पास में बने बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारे आने वाले वीडियोस की जानकारी आप तक सबसे पहले पहुंचे, और हमारे चैनल को अपने दोस्तों में भी शेयर करें। जय हिंद, जय भारत। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड सपोर्ट, लाइक शेयर सब्सक्राइब ICS हरदोई, आपकी सफलता हमारा संकल्प।